happy faces and welcome back to my channel once again. This is your Avantika and I'm so very happy today because it is my birthday. और मेरे birthday के दिन मुझे आपके इतने प्यारे wishes आए हैं, blessings आई हैं और इतना सारा प्यार. Thank you so very much यार, और इसे हमेशा बना के रखना. चलो शुरू करते हैं इस vlog को. Hello guys, finally हम लोग अपनी destination पे आ चुके हैं. हम लोग आए हैं Royal Cliff which is right in front of Moti Chili. तो बने रहेगा हमारे व्लॉग में, इसको देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा. अभी अंदर जाते हैं बिकॉज इट्स अ सरप्राइज, बिकॉज हम खुद यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं. चले चलते हैं. दो वी वर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद द फैक्ट दैट वी कुडंट गो टू द प्लेस वेयर वी प्लान फॉर, बट देन देखिए ये क्या होता है जब हम लोग कुछ प्लान करते हो, जब वो नहीं होता है ना तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उससे कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला था, इसलिए हम यहाँ पहुँचे थे. और यहाँ पर हम मेन्यू डिसाइड करते हुए, सिंस माई गर्ल्स वर प्रिटी बिजी इन डिसाइडिंग द मेन्यू, आई थॉट ऑफ कैप्चरिंग सम पिक्चर्स एंड ब्यूटिफुल वीडियोज ऑफ दिस एक्सक्विजिट प्लेस. यू मस्ट सी ऑन योर ओन. आप खुद ही देख सकते हैं यार कितना ब्यूटिफुल है. And this is the entire place, so huge. And here comes the reception. This all looks so immaculate. और हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है ना, यहाँ पर आकर आप इतने सेल्फीज ऑफ पिक्चर्स क्लिक करोगे आपका मन ही नहीं भरेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई स्टार्टेड क्लिकिंग पिक्चर्स एंड टेकिंग वीडियोज ऑफ माई ओन. एंड इन द मेन वाइल आई थॉट यार कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी से खाना आके ये लोग ख़त्म भी करते, तो मैंने कहा जल्दी वापस चलते हैं यार और जल्दी देखते हैं खाने में कुछ आया है कि नहीं. सो गाइज वी आर फाइनली हियर और हमने ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया है. थोड़ी देर में हमारा खाना आ रहा है और बहुत जल्दी जल्दी में हम आए. हमें जहाँ जाना था वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और जिसकी वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था बिकॉज देयर वाज नो स्कोप कि हम वहाँ जाकर पहुँच भी पाते टाइम पे. सो इसलिए हमने बेटर स्विच करा ऑप्शन और हम फाइनली रॉयल क्लिफ आ गए हैं. एंड आई जस्ट होप कि जो भी हमने डिसाइड करा वो अच्छा अच्छा जाए. सो थैंक यू फॉर ऑल द विशेज एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड केयर दैट यू हैव शोन मी. जितने भी मैसेजेस आए हैं YouTube पे या फिर Instagram पे या पर्सनल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द विशेस वंस अगेन. उनको भी ले लेना. हाँ चलिए, अब आप काटिए. टू बी ऑनेस्ट, एक बड़ा सा केक मैं ऑलरेडी घर पे कट करके आ चुकी थी, तो हम ये छोटा सा पेस्ट्री रेनबो वाला लेके गए थे वहाँ पर जस्ट अपने वीडियो के लिए. और क्योंकि इतना बड़ा सा केक, इतनी बड़ी सी जगह पे थोड़ी सी शर्म आ रही थी. And here comes our food which was truly amazing. बहुत अच्छा खाना था यार. तो गाइस सबसे पहले हमारे पास आए गहलोटी कबाब. मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए हम इसको ट्राई करके बताती हूँ. वैसे तो कबाब सब एक जैसे ही होते हैं, मेरी सिस्टर के फेवरेट हैं, खाते नहीं. नहीं एक जैसे नहीं, एक जैसे नहीं होते, उसका कहने का चीज़ सही, एक जैसे नहीं होता है. अच्छा मैं आपके, मैंने और ना मेरा बर्थडे स्पेशल कर दिया उन्होंने, इतना अच्छा सॉन्ग गाया मेरे पास, मेरे लिए दो बार उन्होंने गाना गाया. और क्योंकि कॉपीराइट की वजह से मैंने डाल दी, बट ही सो नाइस एंड जनरस. आपको बताया मैं आपका जूठा खा लूँगी, आप मेरा. मेरे लिए बहुत अच्छा बर्थडे के दो पहले. हाँ हम लोग नाम ही भूल गए कौन सा चिकन हमने ऑर्डर किया. जब हम अपना खाना ऑर्डर कर रहे थे तो हमने उनसे ऑलरेडी पूछ लिया था कि सबसे ज़्यादा स्पाइसी चिकन कौन सा है, तो उन्होंने ये वाला सजेस्ट करा था विच वाज़ चिकन मसाला अंगार समथिंग, एंड इट वाज़ ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया था यार.
जस्ट इमेजिन गाइज, हम तीन जन थे और तीन जन मिल के वो एक बुल खाना ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। रोटी जहाँ तो खाने के बाद हमारे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी, फिर अब चिकन इतना ज़्यादा बचा हुआ था कि हमने रोटियाँ हटा कर सूखा चिकन खाना शुरू कर दिया था, बिकॉज हमारा थोड़ा सा ही खाने के बाद पेट भर गया था, तो अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और भी खाने का। सो इसीलिए हमने कोई भी डिज़र्ट ऑर्डर नहीं करी, बिकॉज इतना सा ही खाने के बाद हमारा पेट बिल्कुल फुल हो चुका था। और टू बी ऑनेस्ट, सच बताऊँ तो इससे पहले हम लोग जब इससे पहले शाम को हम लोग थोड़ा घूमने उमने गए थे, तो हमने काफ़ी स्नैकिंग भी करी थी। चिंकी, आपको खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा था। यहाँ आके कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आपको ज़रूर आना चाहिए, एक बार ज़रूर आइए। जगह का नाम तो बता दो। रॉयल क्लिफ रेस्टोरेंट। अब हमारे जाने का टाइम आ गया है, हम लोग निकल रहे हैं, खाना हमने खा लिया है, बहुत ज़्यादा पेट भर गया है। हम लोग आए थे रॉयल डाइन इन रॉयल क्लिफ एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड बहुत अच्छा रहा, एंड आप लोग भी ज़रूर आइएगा। अब हम निकलते हैं, बहुत देर हो रही है क्योंकि अपनी फ्रेंड को भी ड्रॉप करना है, फिर मिलते हैं घर पर। बने रहेगा इस ब्लॉग में, इसको देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा। So once again, before I end this vlog, I want to show some gratitude to my happy faces for showing so much love, care, attention and itna sara pyar, itni sare wishes, blessings dene ke liye mere birthday pe. Ye birthday mere liye special banane ke liye. I want to thank God for adding another year into my life. Thank you everyone. And ek bar phir se itni badhiya si jagah pe khoob enjoy kara, isko like zarur kara. Guys, hum pehli baar aa chuke hain bahar, kaafi zyada show hai और काफ़ी तेज आवाज़ आ रही है, तो हम अब सीधे निकलेंगे घर के लिए। कार